बाहर रखें। ऐसा ही मेरे प्रियंका प्रियंका गुप्ता के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, रक्षाबंधन का है। मैं कहाँ गई थी ये सब आपको मैं सरप्राइज दूँगी, आप लोगों को भी सरप्राइज मिल जाएगी और हमें भी मिली है। और क्यों अभी दो तीन दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं आपको समझ भी आ गया हुआ कि सब भी लड़कियाँ जाती पहले कहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं मायके गई हुई थी लेकिन राखी रखकर आ गई थी क्योंकि भाइयों को राखी नहीं बांध पाई थी। मुझे अपने हस्बैंड की बहन के यहाँ भी जाना था इसलिए और मैं अपने मायके गई हूँ। मायके में राखी रखी और दो तीन घंटे रुकी, फिर दो तीन घंटे के बाद फिर निकल आई। मेरा मायका ललितपुर है, जो ललितपुर का है तो वो कमेंट करके जरूर बताना। फिर उसके बाद मैं उड़ीसा गई थी अपनी नंद के यहाँ, तो एक पहली बार की राखी थी। तो रात के 2 बजे पहुँची थी मैं शनिवार को। और यहाँ से गुड़गांव से मैं सुबह वार को रात को निकली थी और सुबह शनिवार को अपनी माई के ललितपुर पहुँची थी। दिन भर उस वक्त ही रात की ट्रेन थी 10 बजे की, फिर रात ही को निकलना पड़ा था जो उनके यहाँ कोई प्रोग्राम भी था। वो मुझे सरप्राइज दे रही थी, कुछ नहीं सरप्राइज उन्होंने घर दिया था वो बता रही थी, लेकिन उस टाइम पर मैं नहीं पहुँच पाई थी, मेरी ट्रेन लेट हो चुकी थी। और बस थोड़ा तकलीफ़ हुई कि मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ और एक बहन में ही राखी नहीं बांध पाई। फिर अपनी मेरी दोनों भाइयों की शादी भी हो गई है और दोनों भाइयों के बच्चे भी हैं और भाभियाँ भी हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन किसने भी बहुत रोने लगे कि त्यौहार के दिन आई है और जा रही है, लेकिन पिता कहते नहीं है। मायके से पहले ससुराल के फर्ज निभाने पड़ते हैं बिटियों को, तो वही फर्ज मैंने निभाया। बिटिया के जगह तो बहू का फर्ज आ गया तो बहू का निभाया। और बस वहाँ हम लोगों को बस राखी दे दी थी क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन को राखी चढ़ती है तब जाके बांधते हैं। और कहीं ऐसा भी हो जाता है कि बांध देते हैं आती है लेकिन मैं नहीं बांध पाती हूँ, चाचा वगैरह के भी या तेल लड़के इतना उनको भी बांध पाई। बस राखी रखकर और आ रही थी, उन लोगों को बहुत रोने लगे सभी लोग कि अब जा रही हैं। और मैं बहुत कम जा पाती हूँ ना रक्षाबंधन पे, भाई लोग इधर यही अपर आ जाते हैं, सो भाभी वगैरह सब लोग यही आ जाते हैं। मैं बहुत लेकिन एक अभी 2 साल से बांध नहीं पाई ना, अभी कोरोना चल रहा था तो जा ही नहीं पाई। 2 साल में तो मैं गई थी वो भी 4-5 घंटे के लिए बस। फिर हमारे उड़ीसा में इनकी बहन रहती है ताऊ की, और इसलिए फिर वहाँ राखी बांधने के लिए गई। तो वहाँ पे भी हो गया था, तो फिर इसके बाद रात के समय 7-8 बजे की ट्रेन थी तो फिर बैठ कर अपने गुड़गांव आ गई। सुबह आ गई थी, बस अभी आई हूँ। बस अपना दिन का कोई मैंने आज भी वीडियो सोमवार वाला भी नहीं डाला क्योंकि थकान हो जाती है, आराम से डालेंगे। मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा बुखार वगैरह आ गया है तो उसको भी देखना है, तो इसलिए और वीडियो हमने ऐड नहीं कर पाए। आप लोग एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो सरप्राइज हम आपको दे रहे हैं। तो रक्षाबंधन का देखना कैसा वीडियो, फिर कमेंट करके बताना। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी यहाँ बुखार आ गया है, सीधे बेटा है। थोड़ा बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी तो देखते हैं कल वीडियो आएंगे, तो आप ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप मैं जो भी भूल जाऊँगी तो मैं बोल दूँगी और बहुत कम चित्र में दिखाई देंगे। आज आई हूँ तो थक गई है, बच्चे को भी बराया तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो कल आएंगा, इतने दिन वीडियो नहीं आया, सॉरी हम आएगा। चलो आप मैं कहाँ जा रही हूँ आपको पता तो पड़ ही जाएगा क्योंकि सभी लोग सावन का महीना है कि अपनी माँ मम्मी पापा के यहाँ भैया भाभी के यहाँ जाते हैं। और ऐसे
ही जाना होता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं स्टेशन पर आ गई हूँ और सर 10 बजे की ट्रेन है, यहाँ पर मैं आकर बैठ गई हूँ। अच्छा अपना खेल रहा है, शैतानी कर रहा है कि चलो थोड़ा कैप्चर कर लूँ ये थोड़ा वीडियो। तो बस मैं यही कर रही थी और ये अपनी शैतानी करने में बहुत शैतानी करता है स्टेशन पर, उसको पकड़ना पड़ रहा है। उसके डैडी कुछ लेने के लिए गए हैं, तो वो क्या है कि वो सुनो मुझे भी जाना ट्रेन, जो ट्रेन दिख रही है इसी में बैठना, मम्मा इसी में बैठा, चलो चलो बस यही मस्ती कर रहा है। फिर यहाँ पर उसने आइसक्रीम देख ली तो आइसक्रीम खाने में लग गया, तो अपनी आइसक्रीम खा रहा है और अपना खेल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बस यही था। अब मैं अपनी मम्मी पापा के घर पर आ गई हूँ और बस यहाँ पर आकर फिर मैंने अपना नहाना धोना तैयार हो गई हूँ और ये कपड़े पहनाना है, और अभी इन्हें ये ड्रेस पहना दी थी और ये ड्रेस थोड़ी बड़ी हो रही थी, फिर चेंज कर दिया। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ, नाश्ता अभी हो गया है हम लोगों का और बस अब लंच होगा। और यहाँ पर मम्मी सामान बांधने में लगी हैं, मैं 4 घंटे के लिए यहाँ पर आई हूँ और 7:30 की मतलब 5 बजे यहाँ से निकलना है, 7:30 की ट्रेन है। फिर मैं अपने भाइयों को क्यों राखी नहीं बांध के जा रही हूँ, क्योंकि इनकी बहन के यहाँ जाना है इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वो देखने के लिए आई थी, और राखी रखते हुए चले जाऊँगी। ये सब रो रहे हैं क्यों नहीं जा रहे, मुझे राखी बांध कर जाए, हम किसी तरह कहते नहीं है। ये मेरी मम्मी है, सामान बांध रही हैं देख लो। और यहाँ पर कहते नहीं है कि माँ किसी तरह ससुराल के फल ज़्यादा निभाने पड़ते, ये सब निभा रही हूँ। और ये मेरे भाई छोटा भाई बैठा है, बड़ी भाभी छोटी भाभी मायके गई है, निका छोटे भाई है जो पीछे है, सो निके लड़की है मेरी मम्मी की, और वही लड़की छोटे भाई की लड़की को ही राखी बनवानी थी, सो मम्मी ने रख दी है क्योंकि भाभी है नहीं है, बच्ची लड़की है नहीं है भाभी की, तो बस मम्मी ने कई राखी रख देती हूँ उसी से फिर बांध लेना, क्या करें। और बस फिर यहाँ पर विदा हो गई, मैं ट्रेन बैठ के अपने यहाँ पर विदेश आ गई हूँ। मेरा मायका है बानपुर, ललितपुर के पास कस्बा है, वहाँ मैं बानपुर की हूँ। आप लोग जो भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं आ गई थी और विदेश अपने नंद किया है, यहाँ पर नहाना धोना भी हो गया है, लंच नाश्ता वगैरह भी हो गया, मैं तैयार होकर रेडी हूँ। अब ये सब तैयार हो गई थी और इन्हें उन्हें राखी का प्रोग्राम चल रहा है, अब राखी बांधेंगी। ये मेरे जेठ जेठानी और उनका लड़का, 2 लड़कियां हैं यहाँ पर, वही नंद है, ये इन्हीं की सगी बहन है जो पहले टीका कर रही है, ताऊ की बच्चे हैं मेरे, मतलब मेरे हस्बैंड के, तो उन्हीं की ये बहन है। और जेठानी भाई है, ये चाचा की लड़की है, और मेरे हस्बैंड की बहन नहीं है, ये तीन भाई है इसलिए पहले दूसरे जे हस्बैंड मेरे हस्बैंड मिला के 3 भाई हैं, उनकी बहन नहीं है इसलिए ताऊ की लड़की को मानते हैं, तो वो उनको राखी बनवाने के लिए आए थे। इनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो गया, उनके कोई एक्सपायर हो गया तो उससे कैंसिल हो गया था, केवल राखी बांधी है। इनको कोई सरप्राइज देना था क्योंकि ने मकान लिया था उसका उद्घाटन किया हुआ है, इसलिए वही सरप्राइज था और कुछ नहीं था। फिर बस यहाँ पर राखी बांधने बस थोड़ी देर और रुकना, यहाँ से भी 8 बजे की ट्रेन है। बस यही होता है कि क्या आना जाना यही लगा रहता है, सावन का महीना है, आखिर रक्षाबंधन हो गया है। यहाँ पर उल्टी बैठी हुई तो सीधी बैठ गए हैं, फिर बच्चे को इन जेठानी की लड़कियाँ वो बांध देंगी, और बुआ की एक लड़की है तो वो बांधे इन नंद की, इन्हें लड़का लड़की नहीं है इनकी भी, और बस भाई ज़्यादा है बहन कम है, बस ऐसे बांधेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बेटे को तो पहली बार राखी समझ में आई है, उसको समझ में नहीं आई है कि क्या है।
क्योंकि मतलब सावन में हुआ था, आषाढ़ में हुआ था, जुलाई में, 2 जुलाई को एक महीना हॉस्पिटल में था, रक्षाबंधन के टाइम पर ही आया था, तो बस एक महीने का था तभी राखी बंधी थी, तब से आज तक राखी नहीं बन पाई है, कोई आता ही नहीं है गुड़गांव। मेरे छोटे भाई की लड़की थी वो, बस वो ही आई थी तो एक बार बांध गई है, वो भी जब भी छोटी थी तो वो भी ज़्यादा नहीं आ पाई, उन्हें बस मम्मी ने राखी लग दी थी, बंधवा लेना सब बांध दिया। और यहाँ पर जेठानी की बच्चियाँ बांध देंगे, ये सब बांध देते हैं, फिर यहाँ पर राखी बन गई है तीनों की, और जे चाचा की लड़की है ताऊ की, सो यहाँ पर फोटो खींच ली है, ये मेरी जेठानी की 2 लड़कियाँ हैं, जो भी करती हैं मैंने तो यहाँ लड़कियों को बैठकर कुछ करते हैं सो कर रही हैं, और यहाँ पर राखी बन गई है सभी को, फिर यहाँ पर मेरे बेटा मोबाइल देख रहा है, बस थोड़ी देर और बस खाना पीना खा कर फिर निकल जाएंगे, बस यही होता है आना जाना बस, और इसके बाद ये मेरी बेजुर्ग चाचा की लड़की की लड़की थी ना उन्हीं की बेटी है, हुआ बस यहीं तक का वीडियो था, मैं चली गई, फिर जब मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक कर देना, चलो वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय। आप लोगों ने कैसी रक्षाबंधन बनाई वो भी कमेंट करके बताना, चलो।